नमस्कार दोस्तों, आज मैं कुछ बात करने आया हूँ आपसे, लेकिन मैं अपने बारे में बात नहीं करने आया आपसे। मैं बात करने आया हूँ उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं। कौन है ये बच्चे 12th एग्ज़ाम देते हैं। 12th का एग्ज़ाम इन्होंने दिया जिसमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है इन लोगों को। इन्होंने बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत मेहनत करी। इनके बोर्ड के एग्ज़ाम में कब थे? मार्च में थे, कुछ के स्टार्ट तो फेब्रुअरी में हो चुके थे। अभी रिसेंटली नोटिस आया है NIFT की तरफ से। NIFT एग्ज़ाम कराता है, तीन उसके पेपर होते हैं। एक होता है क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और एक होता है सिचुएशन टेस्ट। सिचुएशन टेस्ट को नॉर्मली हम क्राफ्ट के बेसिस पे देखते हैं। ये एग्ज़ाम अभी NIFT ने कैंसिल कर दिया। क्यों किया आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट ये एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया विदाउट एनी रीज़न। उसने डिक्लेयर कर दिया ये एग्ज़ाम कैंसिल किया जाता है। आपके पुराने एग्ज़ाम के स्कोर के बेसिस पे आपकी मेरिट रैंक निकाली जाएगी। अब जो कि कई लोगों को नॉलेज नहीं, मैं बताना चाहता हूँ। एक बच्चा जो बोर्ड के एग्ज़ाम में बिजी है, उसके फरवरी में प्रैक्टिकल्स होते हैं जिसको उसकी प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ती है, उसको स्कूल रेगुलर जाना पड़ता है, अटेंडेंस देनी पड़ती है, कई सारे टेस्ट उसको देने पड़ते हैं, कोचिंग वगैरह होती है, सब चीज़ होती है, उसके बावजूद भी वो बच्चा एग्ज़ाम देता है, NIFT एग्ज़ाम देता है। और NIFT एग्ज़ाम में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड रीजनिंग, क्रिएटिव, ये सब आता है। कई सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, हो सकता है किसी का क्रिएटिव स्ट्रांग हो, बाकी चीज़ें कमज़ोर हो, तो वो क्रिएटिव से संभाल लेता है। किसी का इंग्लिश अच्छा हो, मैथ्स ख़राब हो, तो इंग्लिश के बेसिस पर संभाल लेता है। तो ये ज़रूरी मुश्किल है कहना कि हर बच्चे का सारे स्किल्स स्ट्रांग हो, ये बहुत मुश्किल है कहना। फिर भी बच्चा एग्ज़ाम देता है और एग्ज़ाम जब स्कोर शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो वही सोचता है कि मैं सिचुएशन में कवर कर लूँगा। जब उसके बोर्ड एग्ज़ाम फ्री हो जाते हैं, उसके 15-20 दिन का टाइम होता है, वो सोचता है इस बीच में प्रिपरेशन करके मैं NIFT सिचुएशन कर लूँगा। इस बार NIFT ने पहले बताया कि आपका सिचुएशन एक्सटेंड हो गया, बच्चे ने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, दोबारा बताया आपका सिचुएशन एक्सटेंड हो रहा है, फिर उसने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। दो बार NIFT ने ये बच्चों के साथ धोखा किया। अब बच्चा डिप्रेशन में नहीं जाए तो कैसे नहीं जाए, ये मुझे बताइए। एक बच्चे की फीलिंग्स को कोई अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी नहीं करता कि उसके मन में क्या फीलिंग चल रही है। रिसेंटली मेरे पास ये न्यूज़ आने के बाद, ये नोटिफिकेशन आने के बाद इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं। एक बच्चा है जिसका एक्सीडेंट हो गया था ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशंस। उस बच्चे ने एग्ज़ाम जैसे तैसे दिया, उसके बाद एक होप थी कि मैं NIFT से सिचुएशन से क्रैक करके NIFT ले लूँगा। आपको पता है कुछ बच्चे 2-1 साल ड्रॉप करते हैं, 2-3 साल तक ड्रॉप करते हैं NIFT एग्ज़ाम के लिए। आपको क्या मजाक लग रहा है? 3 साल ड्रॉप करने का मतलब समझ रहे हैं? मेरे कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो तीनों ने 3 साल ड्रॉप करे हैं, और ड्रॉप करने के बाद उन्होंने उनके मन में एक होप रहती है कि हमें NIFT मिलेगा, हम NIFT पढ़ने जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, सेंट्रलाइज बॉडी है, 17 कैंपसेस। आपके पास इतना भी नहीं कि बच्चे के सिचुएशन एग्जाम को किसी और तरीके से लिया जा सकता था? इतने सारे फैकल्टी होने के बावजूद, इतना एडवांसमेंट होने के बावजूद, आप सिर्फ आपने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, आपके एग्ज़ाम कैंसिल किए जाते हैं। कई सारे बच्चे मुझसे बोल रहे हैं कि सर अब हम क्या करेंगे, हमारे पहला एग्ज़ाम सही नहीं गया था क्योंकि हमारे एग्ज़ाम थे, हमने फाइल बनाई थी। आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? इतने सारे बच्चों का फ्यूचर आप ऐसे ही मजाक में खेल रहे हैं। मैं NIFT के अगेंस्ट नहीं हूँ, NIFT बहुत अच्छा कॉलेज है, वहाँ जाके बच्चों को पढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट बॉडी है। इसीलिए मैं एज अ फैकल्टी, एज अ सेकेंड पेरेंट्स के नाते, मैं NIFT से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये एग्ज़ाम जो आपने ये नोटिफिकेशन निकाला है इसको कैंसिल किया जाए। बच्चों के NIFT को कई अलग तरीके से लिया जा सकता है। आपने जैसे बोला था पहले वाले नोटिफिकेशन में कि आपके सिचुएशन को 1 हफ्ते में किया जाता है, ऑनलाइन तो आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं ना। एक दिन में आप 100 बच्चे ले लीजिए, और अलग अलग कैंपस की फैकल्टी को ड्यूटी दी जा सकती है इसके लिए। अलग अलग फैकल्टी को ड्यूटी दीजिए, ऑनलाइन बच्चे का एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए। सभी प्राइवेट कॉलेजेस ऑनलाइन कंडक्ट करवा रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं हैं। एजेंसी आपकी सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा बिकॉज आपने बच्चे से चार्ज लिया है एग्ज़ाम का। आप बच्चे के फ्यूचर के साथ ऐसा खेल नहीं सकते हैं। सीरियसली मैं इन बच्चों के साथ, मैं सीरियसली बच्चों के साथ खड़ा हूँ। आपको सोचना चाहिए, 2-2.5 महीने से हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, इतना ज़्यादा डिप्रेशन है घर के अंदर, बच्चे घर में बैठे हैं, पेरेंट्स घर में बैठे हैं, इतना ज़्यादा डिप्रेशन होने के बावजूद रिसेंटली अभी कई सारे सेलिब्रिटी की डेथ हो गई। रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत ने डेथ हो गई, सुसाइड कर लिया। इतना डिप्रेशन का माहौल है, ज़बरदस्त, मतलब न्यूज़ में टोटली सब कुछ पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा। आपने एक न्यूज़ ये पास कर दी, आपका एग्ज़ाम कैंसिल किया जाता है, बच्चे की सारी होप तोड़ दी आपने। मतलब इवन आप क्या करना चाहते हैं? मैंने रिसेंटली पता लगाया कि NIFT के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
मैं देखिए कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मुझे मेरे बच्चों से मतलब है, और मैं अपने ही बच्चों की बात नहीं कर रहा, ये सभी बच्चों की बात कर रहा हूँ। देखिए हम बच्चों के साथ रहते हैं, हम उनकी फीलिंग को समझना चालू कर देते हैं, उनके मन में क्या फीलिंग चल रही है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है उनके अंदर, फ्यूचर में सोच के रखते हैं कि हम डिज़ाइनर बनेंगे, हम सभ्यसाची बनेंगे, मनीष मल्होत्रा बनेंगे। कैसे बनेंगे, आप रियल टैलेंट को तो पहचान ही नहीं रहे। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चेंज कर दीजिए नोटिफिकेशन आपका जो आपने डाला है, और प्लीज़ बच्चों के एग्ज़ाम दोबारा कराइए, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी। बहुत सारी चीज़ें हैं हम किया जा सकता है, इस डिप्रेशन के माहौल में ऐसा मत कीजिए आप। बहुत टेंसड हैं बच्चे, रो रहे हैं बुरी तरीके से, मेरे पास सुबह से लेकर शाम तक कॉल आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स के कॉल आ रहे हैं, अब क्या करना है, कैसे होगा, आप प्लीज़ समझिए मेरी बातों। और आपने इतनी बड़ी मिस्टेक करी है, आप 2 महीने बाद बच्चों को बता रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम कैंसिल किए जा रहे हैं। बच्चों ने प्राइवेट कॉलेजेस के फॉर्म फिल किए थे, उन्होंने कई सारे बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया, कई सारे बच्चों ने उनकी फ़ीस सबमिट नहीं करी है, बॉटम ऑफ लाइन पे आके आप ये बोल रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम कैंसिल किए जाते हैं। अगर किसी बच्चे को आपकी काउंसिल के दौरान उसकी रैंक अच्छी नहीं आती है, तो क्या वो दूसरे कॉलेज में जाएगा, उसका पूरा साल ख़राब कर देंगे आप, कोई और कॉलेज उसका एडमिशन नहीं देगा, सभी प्राइवेट कॉलेजेस के एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। आप इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं बच्चों के साथ। 2 महीने से बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, मेरे पास प्रिपरेशन कर रहा है, कई अलग अलग जगह पे इंस्टीट्यूट में बच्चे प्रिपरेशन कर, मैंने देखा है कई सारे इंस्टीट्यूट बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन आपने इस तरीके से किया है NIFT, मैं टोटली आपके अगेंस्ट हूँ, मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि आप ये चीज़ करें, आपको ये कैंसिल करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते तो हम सभी बच्चे, सारे स्टूडेंट, सब फैकल्टी मिलकर हम कुछ ना कुछ करेंगे आपके खिलाफ, लेकिन आप बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकते। और बच्चों के पास आपने रैंक जारी कर दी 3,000, 4,000, 5,000 तक रैंक आप जारी करेंगे बच्चे की, काउंसिल में बच्चों का एडमिशन आप देंगे नहीं, उसके बाद बच्चा किस कॉलेज में जाएगा, आपके पास आंसर है इस चीज़ का, नहीं होगा, मुझे पता है आपके पास। और आपके जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कीजिए, कोई उठाता नहीं है, ईमेल एड्रेस आपको सेंड कीजिए, आपको मेल करिए, कोई उसका रिप्लाई देता नहीं है, क्या है, इतना बड़ा कॉलेज खोल के बैठे हैं आप लोग, आप बच्चों के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं स्पेशली हम्बल रिक्वेस्ट है स्मृति ईरानी जी, टेक्सटाइल मिनिस्टर से, कि आप प्लीज़ NIFT पे ध्यान दीजिए, NIFT पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मैं टोटली इसके अगेंस्ट हूँ। आप भले मेरे लिए कोई भी स्टेप लीजिए, आई डोंट माइंड, बट मुझे मेरे बच्चों की परवाह है, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसको कैंसिल कीजिए, हम्बल रिक्वेस्ट आपसे।